एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो मिशन एनडीए बुक प्लस 5000 एमसीक्यूज बुक को जरूर रेफर करें टू क्रैक एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद 400 प्लस मार्क्स। स्कोर 400 प्लस इन एनडीए एग्जाम विद मिशन एनडीए बुक अवेलेबल ऑन Amazon। आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो अक्सर मेनस्ट्रीम न्यूज में चर्चा में रहता है। कभी इस एक्ट को कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया जाता है और कभी इस एक्ट को कुछ डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉ और कभी कभार टू लोकल कम्युनिटीज इस एक्ट को हटाने के लिए प्रोटेस्ट और वायलेंस का भी सहारा ले लेती है। पर सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस एक्ट में और इसे कब किसी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और आज की वीडियो में हम इसी आफ्सपा से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स को समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल आफ्सपा को 1958 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉर्थ ईस्ट में नागा अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, और आफ्सपा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को कुछ स्पेशल पावर देते हैं। इस एक्ट के अंडर आर्म्ड फोर्सेस को दी जाने वाली स्पेशल पावर्स की बात करें तो सस्पिशन के बेसिस पर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती हैं। इवन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है या कर सकता है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करके लोकल पीपल के प्रीमिसेस और व्हीकल सर्च कर सकती है, जरूरत पड़ने पर ओपन फायर करना, किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना एक्सेट्रा। यानी ये एक्ट आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी लीगल प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक्ट बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस को सर्च ऑपरेशन या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेसेसरी एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड प्रोवाइड करता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। इवन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट आफ्सपा डज नॉट गिव ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू एनी सोल्जर अगेंस्ट अनजस्टिफाइड मर्डर। कई लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट या आर्म्ड फोर्सेस आफ्सपा का मिसयूज कर रही है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो इजीली फिगर आउट कर लेंगे कि इस एक्ट के अंडर कितने ही फेक एनकाउंटर हुए या फिर कितने ही इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, पर हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि ये सब आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इंटेंशनली नहीं किया गया है, बल्कि ये एक गलती है जो ह्यूमन एरर, इनसफिशिएंट इनपुट या इंटेलिजेंस फेलियर के कारण आर्म्ड फोर्सेस से हुई है। कई लोग आफ्सपा को रिपील करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमें ये समझना होगा कि इन एरियाज में पीस एंश्योर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देना काफी जरूरी है, अदरवाइज वो इन स्पेशल एरियाज में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आफ्सपा की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।